एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे, सबसे पहले एक स्प्रेड होगा जिसमें हम देखेंगे इमीडिएटली आपके रिश्ते में क्या घटित हो चुका है ऑलरेडी। फिर एक स्प्रेड होगा जिसमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, और फिर लास्ट स्प्रेड में हम देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके साथ आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग देखना चाह रहे हैं, तो उस व्यक्ति को याद कर लीजिए। इससे हम फ्यूचर की स्प्रेड लेंगे और इससे हम प्रेजेंट और इमीडिएट पास्ट की स्प्रेड लेंगे, ठीक है? तो अपने पर्सन को याद कर लीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला स्प्रेड फॉर इमीडिएट पास्ट। पांच कार्ड लिए हैं मैंने। नेक्स्ट फॉर प्रेजेंट सिचुएशन। ओके, तो इमीडिएट पास्ट एंड प्रेजेंट मैंने ले लिए हैं, फ्यूचर हम लास्ट में लेंगे। तो इमीडिएट पास्ट में क्या घटित हुआ है? वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कॉइन्स, टू ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कॉइन्स। सो सबसे पहले तो यहाँ पर दो दो क्वीन्स नज़र आ रही हैं और टू ऑफ सोर्ड्स मतलब दो सिचुएशन। तो यहाँ पर इमीडिएट पास्ट में काफ़ी रिलेशनशिप ब्रेक हुए हैं या डिस्टेंस आया है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किसी अदर वुमेन या मैन को लेकर। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जी है, एक तरफ आप हैं आपके पर्सन की लाइफ में, दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है। अब ये जो अदर सिचुएशन है ये सबकी लाइफ में अलग अलग हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो मे बी अदर सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में कोई महिला हो या पुरुष हो, या अदर सिचुएशन उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या उनकी अदर सिचुएशन में कोई उनके घर का कोई सदस्य हो जो बहुत डोमिनेटिंग हो। तो अलग सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। इमीडिएट पास्ट में आपके पर्सन ने आपको लेकर प्लानिंग बहुत की है लेकिन कोई भी प्लानिंग में सफलता हासिल नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि आपने भी बहुत प्लान किए, उन्होंने भी बहुत प्लान किए फ्यूचर को लेकर, बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे आपको उन्होंने प्रॉमिसेस किए होंगे, बट कुछ भी प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया है। इमीडिएट पास्ट में चीज़ें फिर भी थोड़ी ठीक थी लेकिन जैसे ही आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज हुआ आपके प्रति, सारी चीज़ें ख़राब होने लगी। आपको सब कुछ एडजस्ट आप कर लेते लेकिन अगर उनका बिहेवियर आपके प्रति अच्छा होता, जैसे ही उनका बिहेवियर आपके प्रति चेंज हुआ, उन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू किया, वैसे वैसे आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने लगी। तो यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन इमीडिएट पास्ट में किसी थर्ड पार्टी के कारण आपसे दूर हुए हैं। प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में वी हैव हैरोफेंट, एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के पर्सन वापस आए हैं, कुछ लोगों के पर्सन अभी तक वापस नहीं आए हैं, लेकिन आपके मन में ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन शादी की वजह से मूव ऑन कर लिए या शादीशुदा है, मैरिड लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण मूव ऑन किए हैं। आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि बीच का रास्ता निकल जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए। आप प्रेजेंट सिचुएशन में चाहते हैं कि अगर वो वापस आए हैं तो वो परमानेंटली रह जाएं, वो आपको छोड़कर ना जाएं, और अगर नहीं आए हैं तो आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाएं, आपसे बातचीत हो जाए, मैसेजेस आ जाएं आपको। प्रेजेंट सिचुएशन में काफ़ी लोग शादी को भी लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर शादीशुदा हैं तो अपनी मैरिड लाइफ को बीच का रास्ता निकाल कर सॉर्ट आउट कर लेना चाहते हैं, और अगर शादीशुदा नहीं है तो आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स मान जाएं या उनके पेरेंट्स मान जाएं, चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो जाएं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के फैमिली के प्रति, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही,
आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको त्याग दिया है, छोड़ दिया है बिल्कुल, और आपको छोड़कर चले गए हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि वो वापस आएंगे या नहीं, या वापस आएंगी या नहीं आएंगी। सो ये प्रेजेंट सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। लेट्स चेक कि इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा। इमीडिएट फ्यूचर विल टेक 5 कार्ड्स। इमीडिएट फ्यूचर, प्लीज गाइड करें एंजल्स। We have death with hangman, immediate future, we have the lovers, Jai Ho Radhe Krishna, we have the sun and we have emperor, bottom of the deck hai, moon, amavasya aa raha hai, तो फुल मून न्यू मून जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी, ये रीडिंग मैं जब कर रही हूँ तब अमावस्या करीब है, न्यू मून, और कल ही न्यू मून है। और जब ये रीडिंग अगर आप बाद में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप 2 महीने बाद देखते हैं, 6 महीने बाद देखते हैं, तो आपके इस रीडिंग देखने के बाद जो फुल मून आएगा या जो न्यू मून आएगा उस टाइम पीरियड में ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर सकती है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के इमीडिएट एक्शन में जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस सिचुएशन में स्टक हैं, जिस सिचुएशन के कारण ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, आपको याद करते हुए भी, आपके बारे में सोचते हुए भी, या जिन कारणों से आपके साथ रिश्ता ख़त्म किए हुए हैं, दूर हैं आपसे, बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है या नंबर ही डिलीट कर दिया है, उस रिश्ते से या उन कारणों से मुक्ति की एनर्जी है। आपके पर्सन की लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एक्शन की एनर्जी है। किसके प्रति? अपने प्यार के प्रति, अपने लव पार्टनर के प्रति, अपने काउंटर पार्ट के प्रति। और इसके लिए ये अथॉरिटेटिव डिसीजन लेते हुए नज़र आ रही हैं या नज़र आ रहे हैं। तो आप दोनों का सेपरेशन पहली बात ख़त्म होगा। एक मेजर चेंज, एक मेजर शिफ्ट आपको अपने रिलेशनशिप्स में दिखने वाला है इमीडिएट फ्यूचर में। ये जो इमीडिएट फ्यूचर में शिफ्ट दिख रहा है, ये आपके प्यार में और बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि उजाला नज़र आ रहा है, सूर्य प्रकाश है, और आपकी लाइफ में जो अंधकार है वो छटने वाला है, प्रकाश आने वाला है, खुशियाँ आने वाली हैं। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन आपका साथ निभाएंगे, स्टैंड लेंगे, कोई भी इन्हें अगर रोकने टोकने की कोशिश करेगा तो ये अपनी मन की सुनेंगे और अपनी मन की सुनकर निर्णायक फैसले लेंगे। इनका जो भी जजमेंट होगा ये अपनी मन की सुनकर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही लिया जाएगा। सो यहाँ पर आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस रीडिंग को जब भी आप देखेंगे उसके बाद जो भी न्यू मून या फुल मून आएगा उस टाइम पीरियड में ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। एक नंबर मैं आपको दे देती हूँ कब तक ये एनर्जी रेजोनेट करेगी इमीडिएट फ्यूचर की। मिनिमम मैक्सिमम 10 नंबर है, मिनिमम 1 डे 24 आवर्स, मैक्सिमम 10 आवर्स, क्योंकि 1 नंबर है तो मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 10 डेज ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। इमीडिएट फ्यूचर है, जब भी आएगा उसके बाद 10 दिन के अंदर। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। होप कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में यूनियन हो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, उजाला आए, अबंडेंस आए, आपकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हों। जय हो महादेव, जय हो शिव शक्ति। मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक और नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।